वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम प्योर ईवी के शोरूम में आए हैं जो कि निर्माण विहार पर हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, प्योर ईवी ने एक मोटरसाइकिल भी लॉन्च कर दिया है जो कि आपके सामने है। और इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर भूपेश जी, जो यहाँ पूरा कम्प्लीट सेल्स देखते हैं। तो भूपेश जी, प्लीज़ वेलकम। आइए, सभी को नमस्कार जी। तो सर, प्लीज़ इसके बारे में बताइए हमारे इसको। मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि आज नवरात्रा है, तो पहले नवरात्रे पे सभी को जय माता की। जय माता जी। और ये आपकी गाड़ी सामने खड़ी है जिसको लेटेस्ट 350 बोलते हैं जी। और ये अभी आपके सामने गाड़ी खड़ी है और इसमें सीधी बहुत सिंपल सी जानकारी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ट्यूबलेस टायर है। ओके। और ये व्हील आपका 18 इंची का है। ओके, 18 इंच में अलॉय व्हील के साथ आ रहा है ये। हाँ। और ये आपका 220 mm का आपका इसमें डिस्क दिया हुआ है, दिया गया है। ठीक है। और आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक आपके सामने है, ये जो कि इसका कैलिपर आई थिंक प्योर ईवी का ही है, ब्रांडेड। बिल्कुल बिल्कुल, सोकर सस्पेंशन है। उसके बाद आप लाइटिंग देखेंगे तो आपको एलईडी के साथ में दिखाई देगा। ओके। तो ये मैं आपको गाड़ी को ऑन कर देता हूँ और ऑन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पहले मोड में जब आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे छोटे से पॉइंट। अच्छा, दो ट्विन एलईडी इसमें साथ में, जो सरफेस है इधर साइड में आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके। ठीक है। और ये आपकी ये आई थिंक आपके DRL टाइप डिजाइन किया हुआ है, राइट? ओके, ऐसा ही है। ओके। और उसके बाद आपकी ये मेन, ये आपका हेडलाइट, ये भी LED में ही है दिया हुआ है। ये भी LED में ही है। ओके। ठीक है। और उसके बाद आपकी ये 7 इंची की डिस्प्ले है, आप जो ऊपर देखेंगे। ठीक है, 7 इंची की डिस्प्ले है ये, जो कि आपकी गाड़ी के सामने जिस तरीके से हम लोग अपनी नॉर्मल पेट्रोल बाइक चलाते हैं वैसे ही आपकी ये वाली बाइक भी चलेगी। okay. अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको ऑन किया तो आपको रेडी लिखा हुआ है। ओके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें शो होंगी। ये आपकी बैटरी है। हाँ। उसके बाद ये स्पीड है। ये आपका मोड है, जो पहला वाला मोड आपको ड्राइव मोड कहलाता है। ओके। और दूसरा वाला जो मोड है आपका वो क्रॉस ओवर मोड कहलाता है, जिसमें आपको अच्छी स्पीड मिल जाती है। तीसरा वाला आपका थ्रिल है जिसमें आपको 85 की स्पीड, टॉप स्पीड भी है इसकी, वो मिल जाती है। अच्छा भूपेश जी, एक बार इंटरप्ट करना चाहूँगा, अगर मोड के हिसाब से बात करें तो इसका आप थोड़ा रेंज भी बताइए, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोड में। और मैं वो भी बताना चाहूँगा कि जो पहले मोड पर आपकी गाड़ी चलेगी वो आपको 60 की स्पीड, ओके, एक बहुत अच्छी स्पीड है जो कि दिल्ली के अंदर आसानी से मिल जाएगी। आप उस पर चलाइए, आपको 140 किलोमीटर का आपको बेस्ट माइलेज मिल जाता है। बेस्ट माइलेज मतलब 140 प्लस माइनस हो सकता है इसमें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 140 तो कंपनी बोलती है, अगर आप बेहतर राइड करेंगे, इकोनॉमी को चलाएंगे तो आपको अच्छा 11 माइलेज मिलेगा। दूसरा, इसके जो आपका क्रॉस ओवर मोड है उसमें आपको 75 की स्पीड मिलेगी। ओके। और आप इसमें 110 किलोमीटर का आपको माइलेज मिल जाएगा। ओके। उसके बाद आपका जो लास्ट मोड है 85 का, उसमें आपको थ्रिल मिलेगा, यानी कि 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दौड़ना अपने आप में काफी अच्छा महसूस करेगा बंदा चलाने वाला, तो उसमें आपको 90 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा। जैसे कि एज पर माई नॉलेज, मुझे मैंने सब चीजें इसकी देखी, टेस्टेड किया हुआ आपने अपने एंड से भी, राइट? और उसके बाद आप एक अच्छा बाइक के साथ में नया एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे जी। ओके। तो इसकी वारंटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वारंटी के बारे में मैं अभी आपसे इसलिए नहीं बोलूंगा जी, क्योंकि गाड़ी जिस समय आपके सेल पॉइंट पर आएगी तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इसकी मोटर की, बैटरी की, चार्जर की क्या इसकी वारंटी रहेगी। हाँ, अभी कंपनी से एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं किया गया है इसकी बैटरी, जो कि हाँ, डेमो पॉइंट देखिए, गाड़ी को पसंद कीजिए। ओके। आप बुकिंग लगा सकते हैं और इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल, आप बुकिंग लगा। तो भूपेश जी, इसकी बुकिंग अमाउंट क्या है स्टार्टिंग? मैं बताना चाहूंगा कि आप कोई भी आइए, बुकिंग लगाइए और 10,000 रुपए से आप अपनी बुकिंग लगा सकते हैं। ओके। और इसकी वेटिंग पीरियड क्या है, कब कैसे क्या लॉन्च करेंगे? मैं नहीं कहूंगा, खैर अभी खाली इतना कह सकता हूँ कि जिस समय ये अप्रैल के मंथ में या तो एंड में या आपके मिड में जब भी ये सेल पॉइंट पर आएगी जी, तब आप अपनी बुकिंग लगाने के साथ वेटिंग नहीं रहेगी आपकी। ओके। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि प्योर जिस तरीके से स्कूटर में अपने हैंड टू हैंड डिलीवरी करता है, तो वैसे ही आपकी बाइक पर भी आपको हैंड टू हैंड डिलीवरी करे। ओके। वो उम्मीद करता हूँ इस चीज से। ठीक है। अच्छा, इसमें बैटरी कितने किलोवाट की है और कहाँ पे फिक्स है इसकी बैटरी? देखिए, इसमें 3.5 किलोवाट की है और ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा बैटरी का है। ओके। और ये फिक्स है, फिक्स लिथियमआयन बैटरी है, निकाली नहीं जाएगी। अच्छा। इसके अंदर काफी ज्यादा वजन है। ओके, है ना, तो इसलिए नहीं निकाली जाएगी। और इसका चार्जिंग पॉइंट, इसका चार्जिंग पॉइंट जैसे तरीके आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल का आपको एक साइन बहुत सुंदर तरीके से चमकता है कि पेट्रोल डलवाना है, वो यहीं पर आपको जो है इसके अंदर पॉइंट है, इसका पॉइंट आप यहां से इसको चार्ज कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। अच्छा, एनी और कुछ इसमें टॉप बॉक्स, ग्लोव बॉक्स वगैरह कुछ है कहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह? कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे बाइक आपकी पेट्रोल की होती है उसी तरीके से आपको बाइक मिलेगी। 17 इंची वाला आपका पीछे का है और 4 किलो वॉट का इसके अंदर आपको
मोटर दिया हुआ है। ओके जी। अच्छा, इसमें आगे पीछे डिल पे डिस्क दिया हुआ है नॉर्मल। जी, और जब आप इस पर सिंगल राइड करते हैं तो 3 किलो पावर जनरेट होती है। ओके। और इस पर अगर आपका वेट है, यानी कि जो इसके ऊपर वेट रख सकते हैं वो 160 किलो तक आप कैरी कर सकते हैं। ओके। तो दो इसके ऊपर आराम से सिटिंग कर सकते, चला सकते हैं, तब आपको 4 किलो पावर जनरेट मिलेगी इसके अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट। BLDC है जिसके आप देख पा रहे। जी जी जी, BLDC मोटर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूपेश जी। थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे बेहतर वीडियो के लिए थैंक यू। जय माता दी।